This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना की वैक्सीन के इंतजार के बीच खुशखबरी भी एक के बाद एक आई। कई सारी वैक्सीन के नाम भी चर्चाओं में रहे और अच्छी खबर आने के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए दवा कंपनियां लगातार अपने वैक्सीन के डोज बढ़ाने की बात कर रही है। उधर फाइजर वैक्सीन को लेकर एक और खबर सामने आई, जिस वैक्सीन को लेकर पहले दो डोज देने की बात कही गई थी, अब उसी वैक्सीन की तीसरी डोज भी लेनी होगी ताकि कोरोना वायरस से पूरी तरह से लड़ सके। और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद कंपनी के सीईओ की ओर से कहा गया है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए बूस्टर डोज की जरूरत होगी। जिसे वैक्सीन लग चुकी है उसे तीसरे डोज की जरूरत पड़ेगी। बूस्टर डोज दूसरे डोज के 6 से 12 महीने के अंदर लगवाना होगा और सालाना वैक्सीन की भी जरूरत पड़ सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए तीसरे डोज की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए नए और खतरनाक स्ट्रेन आ रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अलग अलग कंपनियों को लेकर दावे भी काफी किए गए हैं। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को 95% प्रभावी बताया गया, मॉडर्ना की वैक्सीन को भी 94% प्रभावी बताया गया, स्पुतनिक वी को भी 92% प्रभावी बताया गया, नोवावैक्स को 89% प्रभावी बताया गया, तो कोवैक्सीन को 81% प्रभावी बताया गया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को 70% प्रभावी बताया गया। इससे पहले भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी चल रही है। इसे बूस्टर डोज ही कहा जा रहा है। एक्सपर्ट पैनल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बूस्टर डोज को अनुमति भी दी है। दूसरे डोज के 6 महीने के बाद बूस्टर डोज को लगाना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरियंट से बचाव में भी इससे फायदा मिलेगा। बूस्टर डोज उन लोगों को पहले दिया जाएगा जिन्हें कोवैक्सीन का दूसरा डोज पिछले साल सितंबर या फिर अक्टूबर में दिया जा चुका है। फिर उनकी निगरानी भी की जाएगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।